नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं उन दोषों की जो कि वास्तु के सामान्य तौर पर देखे जाते हैं और अगर इन्हें नहीं सुधारा जाए तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर को परेशानियों से दूर रखने के लिए किस तरह आप वास्तु का ध्यान रखकर अपने घर का वास्तु दोष मुक्त बना सकते हैं अपने घर को, आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे शो सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हमारे शो में मौजूद हैं दवेरी फेमस निर्मला सेवानी जी जो कि करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है उसका आप समाधान जानना चाहते हैं निर्मला जी से तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, सबसे पहले हम वास्तु दोषों पर चर्चा कर रहे हैं आज, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा घर में जो गार्डन होता है उसका एज एन वास्तु के रूप में कितना महत्व होता है, वो जानना चाहूंगा। घर में गार्डन माने पृथ्वी तत्व जी। अगर गार्डन है तो आप सांस अच्छे से ले पाएंगे, पृथ्वी तत्व पूर्ण कर पाएंगे ना। पांच तत्वों में से सबसे बड़ा तत्व पृथ्वी तत्व है जी। तो घर के एंट्रेंस पे ही गार्डन होना चाहिए, घर के घुसते ही गार्डन होना चाहिए। इन केस आपका घर में पक्का है तो आप वहाँ पे पौधे लगाइए, बेले लगाइए ताकि वो गार्डन का लुक दे और आपका पृथ्वी तत्व पूर्ण हो। आप सुंदर वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में अपनी स्वस्थ सुंदर सांस लेके अपने जीवन को यापन कर सकें जी। निर्मला जी, लेकिन आजकल ये तो आपने घर के गार्डन के बारे में बता दिया कि किस दिशा में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है अगर मैं घर से बाहर के गार्डन की बात करूँ, जो पब्लिक गार्डन्स होते हैं उनमें अक्सर लोग गंदगी फैला देते हैं, कचरा बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना ठीक है वो सब? बताइए, ठीक नहीं है। कचरा माने कचरा जी, तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए, पब्लिक पार्क जो होते हैं वो आपके बच्चों के खेलने के लिए होते हैं, आपके घूमने के लिए, बुजुर्गों के अपने स्वास्थ्य के मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए होते हैं। तो वहाँ पे मेहरबानी कर कर के, आज सुबह मैं गार्डन गई थी अपने वॉक लेने मॉर्निंग, इतनी प्लास्टिक पड़ी थी कि पूछो मत। और ये पानी की बॉटलें, ग्लास प्लास्टिक के, किसी ने खा के प्लेटें डाल रखी थी, जबकि उस पर लिखा हुआ था ये पब्लिक पार्क है, इस पर इस तरीके के कोई आयोजन नहीं होने चाहिए, उसके बावजूद भी लोग फैलाते हैं। तो ये तो अवेयरनेस की बात है कि हम उसी में खुद ही घूम रहे हैं और खुद ही गंदा कर रहे हैं। और प्लास्टिक जैसी चीज़ पे तो बैन ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तो आप देखिए गाय बेचारी के पेट पे प्लास्टिक जाती है, आपके पौधों में वही खाद बन के आती है, उससे तो पूरे इन्वायरमेंट का, ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण ही प्लास्टिक है। ये बैन होना चाहिए। और पार्कों में तो इंसान को खुद सिविक सेंस होना चाहिए, बेचारी सरकार के हर चीज़ उसके सिर पे डालने की जरूरत नहीं है। आप खुद अवेयर होकर उसकी सफाई करेंगे तभी आप जी पाएंगे, नहीं तो खुद ही नुकसान पा, आपके बच्चे उसमें खेल रहे हैं, आपके बच्चे गंदी सांस ले रहे हैं जी। बेसिकली आप ये कहना चाहती हैं कि जैसे हम घर के वास्तु का ख्याल रखते हैं, हमें हमारे शहर के वास्तु का भी और पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए बहुत ज्यादा। अभी देखिए पर्यावरण दिवस है आपका 5 जून को, तो ये अवेयरनेस और आपके सिविक सेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि देश की वास्तु अगर सुधरी रहेगी तो आपके घर की वास्तु सुधरी होने के मतलब है जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, अलवर से हरिओम जी हैं। हरिओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 1382 सर। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए हरिओम जी। जी सर, केवल वास्तु के विषय में या अन्य? आप जो भी अपनी समस्या है उससे संबंधित सवाल पूछिए। जी जी सर, मैं काफी समय से सर ये प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करता हूँ और प्री मेन साक्षात्कार तक भी पहुँच जाता हूँ, लेकिन अंतिम समय में मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। हरिओम, अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार वापस बताओ। मैम, 13982। अच्छा, तो अब तुम्हारे तीन तीन निकल गए क्या चांस? हाँ नहीं, चांस तो मतलब आरएस में देता हूँ लगातार मैम, लेकिन प्री दिया, पास हो गए, मीन्स दिया, पास हो गए, इंटरव्यू। मुझे क्या लगता है बेटा कि लेक्चरशिप का योग है, एडमिनिस्ट्रेशन का है नहीं। अगर तुम चाहते हो तो मैं छोटा उपाय बता देती हूँ, प्रभु करे हो जाए। पीला फल दान क्या करो थर्सडे को और संडे को, जैसे पपीता इन दोनों तो आम आ रहा है, पीला फल दान दो और थोड़ी सी माँ सरस्वती की पूजा करो तो इंटरव्यू तक निकल जाओगे, है ना। नहीं तो नेट स्लाइड क्लियर कर लो, लेक्चरर बन जाओ, क्या बुराई है, कोई जरूरी थोड़ी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाए जी। हरिओम जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं हमसे तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, हम वास्तु पर चर्चा कर रहे थे तो मैं आपसे जानना चाहूंगा घर का जो डिजाइन होता है वो किस तरह का होना चाहिए वास्तु के अनुसार? अक्सर का हम लोग इस पर चर्चा करते आए हैं
जो घर का डिजाइन, वास्तु का मतलब वस्तु स्थिति है ना, तो जो आपकी आठ दिशा और दो पृथ्वी और आकाश है, ये सबका बसेरा होना चाहिए। जो चीजें पांच तत्व और एनर्जी उसमें विद्यमान होनी चाहिए, है ना, चलायमान ऊर्जा आपका वस्तु स्थिति ये कहता है। तो घर का डिजाइन ऐसा हो कि उसमें पांचों तत्वों का वास हो और आपकी एनर्जी चलायमान हो, मतलब उसमें शुभ चिन्ह भी हो, फ्लोरा प्लांटेशन भी हो और बेकार का क्लटर नहीं हो, तो आप खुश होके उसको कर सके। जी, लेकिन निर्मला जी, इसमें एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जो दिशाएं होती है वो कितना अहम किरदार निभाती हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में बड़ी व्याधि होती है इससे संबंधित कि इस दिशा में ये नहीं है तो ठीक नहीं होगा, इस दिशा में ये ही होना चाहिए पर्टिकुलर, तो दिशाएं कितना ज्यादा अहम रोल किरदार अदा करती है। देखो, पर्टिकुलर कोई दिशा किसी चीज के लिए बनी है वो वस्तु स्थिति उसी को कहते हैं, है ना। जैसे कि पूजा के लिए नॉर्थ ईस्ट क्यों था, क्योंकि हमारे देश की वस्तु स्थिति इस तरीके की थी कि नॉर्थ ईस्ट से प्रकाश आता है, हवाएं चलती हैं, है ना, तो बच्चों की पढ़ाई का कमरा उधर होना चाहिए, पूजा का कमरा उधर होना चाहिए, क्योंकि मन स्थिति और प्रार्थना से स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक रहती है। तो वस्तु स्थिति का मतलब ही ये है कि उन दिशाओं का सही सही उपयोग किया जाए। पर मान लीजिए आजकल के घर में चारों ओर खुला नहीं होता, फ्लैट सिस्टम है, तो जितनी दिशाएं कंपनसेट हैं, जो नहीं है उनको फिर रेमेडियल थेरेपिल कुछ चीजों का इस्तेमाल करके और अपने किसी समझदार लर्नेड वास्तुशास्त्री से, जो कि वहम कम पालता है, उस चीज को ठीक करा लीजिए, और तो क्या होगा। जी, निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश जी हैं नागौर से। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे शो में अपने जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरी जन्म तिथि यह तिथि है 26 नवंबर 1975। जी, अब अपना सवाल पूछे सुरेश जी। ऐसा है मैडम, मैं सर्विस के लिए मतलब तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक मेरे को सर्विस नहीं मिली, जैसे मैंने बीएड कर रखी है। बेटा, हमको तो लगता नहीं तुम्हारी सरकारी सर्विस लगेगी, मुझे लगता है कि तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, या तो प्राइवेट नौकरी करो या फिर अपने बिजनेस में आ जाओ। ऑलरेडी बिजनेस का पीरियड शुरू हुए भी 2 साल हो गया है। जी, निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गजेंद्र जी हैं पाली से। गजेंद्र जी, अपने जन्म की तारीख बताइए, अपना सवाल पूछिए। जी, अब अपना सवाल पूछिए। बीमार काफी समय से मैं रह रहा हूँ। जी गजेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। बीमार रह रहे हैं काफी समय से, मुझे लगता है कोई इन्फेक्शन डिजीज है। हाँ, मुझे लगता है कोई इन्फेक्शन का डिजीज है, तो आप ना लाल फल दान करें मंगलवार और संडे को एक, तो और एक माणिक पहन लीजिए 7.25 कैरेट सोने में, रिंग फिंगर राइट हैंड में, तो ठीक हो जाएंगे गजेंद्र जी। वैसे बीमारी का पीरियड मुझे लगता है कि खत्म ही होने वाला है, लगभग 22 जून से तो ठीक होने का वक्त है आपके, ठीक हो जाएंगे। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब भी कोई व्यक्ति अपना मकान बनाना स्टार्ट करता है तो उससे पहले वो उसका नक्शा बनाता है, तो नक्शा वास्तु के अनुसार होना कितना जरूरी है किसी भी व्यक्ति के मकान का, वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, किसी भी विषय वस्तु की प्रतिस्थापना के पीछे एकमात्र एक उद्देश्य होता है कि आप उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को संवर्धित करेंगे, परिष्कृत करेंगे, सुंदर बनाएंगे। तो वास्तु के सब्जेक्ट का इस्तेमाल भी इसी संदर्भ में किया गया है। पर अगर जो थोड़े बहुत इरर हैं तो चलता है, चलता है, उसको फिर थोड़ा रेमेडी से कंपनसेट कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु स्थिति आपके जीवन के भाग्य में 20% ही इधर उधर की मदद करती है। कोई ऐसा इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि बहुत खूबसूरत वास्तु में रहेंगे तो हमारी लॉटरी निकल आएगी, या खराब वास्तु में रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जयवीर हैं हरियाणा से। जयवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। जयवीर जी, अपने जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। लगता है कि निर्मला जी कुछ तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे कट गया। अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक जी हैं अलवर से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपने जन्म की तारीख बताइए, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1973। ठीक है, ठीक है अशोक जी, सवाल। डिप्रेशन से पीड़ित हूँ, डिप्रेशन कैसे कम हो? मुझे लगता है कि बहुत लंबे अरसे से आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं, तो एक तो आप दवाएं भी लेते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, तो एक इसकी माँ मतलब शिव जी की और माँ सरस्वती की आराधना करिए, ओम एम नमः, ओम एम नमः मंत्र का जाप करेंगे, अपने आप को सफ़ेद वस्त्रों में विजुअलाइज करके, तो भी थोड़ा ऑरा क्लिंज हो जाएगा, नहीं तो कभी हमसे आके मिल लेंगे तो कर देंगे आपका ये क्लीनिंग, कर देंगे आपके ये थॉट प्रोसेस की, तो ठीक हो जाएंगे आप। जी निर्मला जी, अभी आप बता रही थी कि अगर किसी भी व्यक्ति के जो घर है उसका अगर जो नक्शा है वो वास्तु के अनुसार नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए उसे बाद में ठीक करना है तो किस तरह ठीक कर सकता है वो?
उसके उसके इलाज करके ना थेरेपी, देखिए दो चीज होती है, एक आपका ज्ञान होता है आप उसका सही इस्तेमाल करिए, पर कई बार सही इस्तेमाल भी क्या होता है तो भी कुछ इरर छूट गए होते हैं तो फिर उसको कैसे कंपनसेट करते हैं, दवा लेकर ना तो उसके रेमेडियल या थेरेपियल वर्ल्ड पे चले जाइए तो ठीक हो जाएगा उस सेंट पे। जी निर्मला जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शिवलाल जी हैं झुंझुनू से। शिवलाल जी अपने जन्म की तारीख बताइए फिर अपना सवाल पूछिए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/7/1995। ठीक है, अपना सवाल पूछिए। सर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि सर्विस कब तक लग जाऊंगा? सर्विस कब तक लग जाऊंगा, मुझे लगता है कि अगले साल ही लग जाना चाहिए, 2017 मई-जून तक लग जाना चाहिए। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सोहन है अलवर से। सोहन आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपने जन्म की तारीख बताइए फिर अपना सवाल पूछिए। जी सर 9/8/94। जी अपना सवाल पूछिए सोहन। सोहन अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जी सवाल है सर, मैं बीमार रहता हूँ और ना ही नौकरी का कुछ बैठ रहा है। सोहन अपना कारोबार करो, नौकरी तो नहीं बैठेगी बच्चे, लेकिन खाने पीने की चीजों का व्यापार करेंगे तो ठीक रहेगा। निर्मला जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, कोटा से ममता हैं। ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए और अपने जन्म की तारीख बताइए। 10/7/1981। जी अब अपना सवाल पूछिए। जी मुझे ये पता करना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट, और मैं बीमार काफी रहती, तो क्या पूछ रही थी? पूछना चाह रही थी आपसे कि उनकी गवर्नमेंट जॉब नौकरी लगेगी और या फिर प्राइवेट नौकरी लगेगी। 81 बोला है इन्होंने अपना, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब है और शायद कुछ इम्तिहान दे रखे हो तो शायद इसी दफा क्लियर हो जाए वो। जी चल रहा है पीरियड, फरवरी से चल रहा है तो अभी लग जाएगी। जी निर्मला जी, अक्सर देखा जाता है कि जो पौधे होते हैं वो सुंदरता तो लाते ही हैं, साथ ही जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो शहर में पौधे लगाना और या फिर घर में भी पौधे लगाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वास्तु की दृष्टि से, वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए पेड़ों की अहमियत होगी तभी भगवान ने ना इतना खूबसूरती से जंगल बहुत दिए, है ना? सागर की अहमियत थी तो उन्होंने पानी भी बहुत दो तिहाई दिया, है ना? तो जरूरत तो थी इसीलिए प्रकृति तक ने उस चीज को दिया था। हमने काट काट के सत्यानाश कर दिया देश भर का, है ना? सीमेंट और शीशे और पत्थर और बजरियां डाल डाल के, तो पौधों की बहुत जरूरत है। अब जो हमने वास्तु बिगाड़ दिया अपने देश का कि पहाड़ भी काट दिए, तो अब प्रति व्यक्ति हर बर्थडे पे एक पौधा लगाए तो अपने आप कंपनसेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल निर्मला जी, तो पौधा प्राणदायी भी है, पौधा आपकी जरूरत भी है। वापस से जंगल डेवलप होगा तभी आप अपने जीवन यापन को सुधार पाएंगे, सही दिशा में काम कर पाएंगे। जी फिलहाल के लिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम सॉल्यूशन में।